कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने देश भर में कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देशद्रोही है। देश की सीमाओं पर कांग्रेस हमला कर देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है। कांग्रेस फौजियों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रही है। वहीं शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नल 1998 से केवल पार्टी बदलने का काम कर रहे हैं। देखिए, सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड फौज की है और जब सीमा पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं कांग्रेस द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, क्या ये वाजिब है? क्या आप डिमोलाइज करना चाहते हैं? क्या आप लाशों को गुनवा करके जो है वो फौज की इंटीग्रिटी पर कोई जो है वो बात कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं? इस बात का हमें जवाब मिलना चाहिए क्योंकि वोटें देनी आखिर में, और लोगों के देश के लोग और ख़ास करके इस क्षेत्र के लोग जो है ये कर्नल शांडिल से और कांग्रेस से जानना चाहती है कि उनका स्टैंड जो है ये ऐसा स्टैंड क्यों है कि जिसके कारण से जो है वो फौज डिमोलाइज हो जाती है। और अभी जिस तरह से कुछ एक्स को जो है जिसकी पावर है मिलिट्री के पास उसको मेंट करने का जो है कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है मेंशन किया है, उसे अगर उसके साथ हैं तो वो भी बताएं, और अगर नहीं है तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों लिखा गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी फौजी जो है वो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ता है वो देशद्रोही कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस मेंबर है कि नहीं है, ये आपकी स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट वेरीफाई दिस। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि सेडिशन को लेकर के आई ऑब्जेक्शन, अगर देशद्रोही को भी हम जो है वो शेल्टर देने वाले हैं, देन आई हैव बिग ऑब्जेक्शन, उसमें फिर उसमें कोई भी व्यक्ति हो। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।